हे गाइस, तो कल मैं किसान बाजार गया था, मुझे लगा नहीं था कि इतना मतलब सारे फूड्स के शॉप्स खुले होंगे, लेकिन बहुत सारे फूड्स के सारे शॉप्स ऑलमोस्ट खुले हुए थे, जगह ही नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे कच्ची दावेली ट्राई किया, ये देख रहे हो ये भैया बना रहे हैं, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त बनाए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेस एक्सप्लोर किए, आप पूरा वीडियो देखो अंत तक, उसमें मैंने 12 प्लेसेस कवर किए हैं, तो एक बार आप वीडियो ज़रूर देखो। अगर आप पुणे से हो तो ये सारे प्लेस आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि ये सारे शॉप्स मतलब ऑलमोस्ट जो बेस्ट चीज़ें वही सारे ओपन थे। मैंने उन सबको मतलब वहाँ ट्राई किया वहाँ पे, और फिर उनका वीडियो भी निकाला। ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पे फालूदा ट्राई किया था, फालूदा भैया 50। भैया ने ज़बरदस्त मुझे एकदम पूरा मलाई डाल के पूरा एकदम पिलाया था, एकदम फालूदा को एकदम बहुत ही मज़ा आ गया था इसमें। तो ठंडी थी लेकिन बहुत ही टेस्टी था फालूदा इनका, कभी आप चाहिए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैंने प्लेस एक्सप्लोर किया वहाँ था झंडे पाव भाजी। उसके बाद ये अंकल ने एकदम ज़बरदस्त पाव भाजी बटरी एकदम पूरा बटर वगैरह डाल करके पाव भाजी बनाया था ना, देख रहे हो ये पूरा एकदम, मुझे मतलब बहुत देर काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा था जाकर के मेरी पाव भाजी की बारी आई। मतलब बहुत ही सेल था इनका, बहुत तगड़ा सेल हो रहा था वहाँ पर, देख रहे हो आप एकदम बार बार कंटिन्यूसली ये बनाए हैं। फिर मुझे तीसरे शॉट जब तीसरी बार बनाए तब जाकर के मुझे पाव भाजी मिल पाई। ये सारे प्लेस अभी इधर ओपन है, विश्रांत वाड़ी चौक पर है ये, मतलब आप लोकेशन नोट कर सकते हो, विश्रांत वाड़ी चौक। फाइनली मेरी पाव भाजी रेडी हो गई थी और मैंने फिर इसे खाया अच्छे से। मैं अभी बाद में इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं था के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो देख रहे हो पाव भाजी मैंने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था। उसके बाद एक जगह पर बहुत ही अच्छी मंचूरियन मिल रही थी, मतलब 20 रुपये पर प्लेट में ड्राई लो या फिर ग्रेवी लो, मीन से 20 रुपये पर प्लेट के हिसाब से दे रहे थे, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो बंदा है ये पूरा नींबू पानी बेचता है, एकदम पूरे ही बहुत स्टाइल में बेचता है। क्या बनाओ जो तुम्हारा फेवरेट है वो बनाओ, क्या खाने करना है ना आप फेवरेट छोटे साथ की सादे में कैसा बनाओ तुम। ठीक है इतना कर, Thank you.
लगेज पीने कहाँ गए? उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्मा का भी शॉप है, वो भी एकदम डिलीशियस शॉर्मा बनाते हैं। मैं बहुत देर तक वहाँ पर था, मतलब 3-4 घंटे 5 घंटे था, इसलिए मैं इतनी चीज़ खा पाया। बाकी आपको जो भी चीज़ इसमें से अच्छा लगे आप ट्राई करो। मैंने ऑलमोस्ट निशान तिवारी के जितने वो फूड कॉर्नर था, पूरा फूड कॉर्नर, पूरा जगह रखने का भी, मतलब पैर रखने का भी जगह नहीं था, उतना पूरा भरा हुआ था। तो मैंने ऑलमोस्ट जो जो चीज़ कवर कर पाया वो सब किया। तो आप आगे देखिए वीडियो, मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। ये देखिए भैया पूरा शॉर्मा को एकदम ज़बरदस्त फुल चिकन भर करके हमारे लिए शॉर्मा बनाए थे। उसके बाद ये जो शॉप है यहाँ पर 20 रुपये में एक प्लेट मंचूरियन मिलता है। इनका मंचूरियन ऑलमोस्ट मतलब इतना सेल हो रहा था कि ख़त्म हो गया, मतलब पूरे लोग सैटरडे संडे को मतलब पूरा बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगाते हैं वहाँ पर, मतलब पूरा विश्रांत वाली में पूरा फूड एरिया जितना है पूरा भरा हुआ था। तो मतलब इतनी चीज़ वहाँ पर खाने पीने के लिए। देखो यहाँ पर 30 रुपये में सीख कबाब 2 मिलते हैं, बहुत ही सस्ता, 30 रुपये में 2 सीख कबाब एकदम, और वो भी पाव के साथ एकदम पूरा डिलीशियस लगता है ये भी पूरा खाने में। उसके बाद ये बहुत ही पुराना शॉप है, और ये बनने वाला है क्या? इसके जस्ट बगल में जब थोड़ा सा आगे मतलब ये शॉप के बाद यहाँ पे एक भैया एक मूंगफली बेचते हैं 20 रुपये पर हिसाब से बेचते हैं, मतलब जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से ये आपको प्राइस लगा कर दे देंगे। तो ये सब मतलब अभी खुल चुका है वहाँ पर, मतलब अच्छा लग रहा है, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे, मतलब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे मतलब सब कुछ लाइफ नॉर्मल हो रहा है सबका, क्योंकि सारे स्ट्रीट फूड से वो तो ऑलमोस्ट बंद ही हो चुके थे। ये देखो इसके बाद जस्ट थोड़ी दूर पे एक आंटी थी जो कि एकदम फिश बेच रही थी। ये देखो ये वाले फिश 60 रुपीज़ में बेच रहे थे, बहुत ही तकलीफ इस चोरी के वाले। तो ये सारे शॉप विश्रांत वाड़ी के मतलब जस्ट वाड़ी चौक पे ही है, वहाँ पर आपको पूरा सारे एक साथ ही मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको वेजिटेरियन हो पूरे तो दूध पीना चाहते हो तो वहाँ पर दूध भी मिलता है 20 रुपये का। तो यही था हमारा आज तक के लिए फूड टूर।
तो थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर टूट टाइप का चाहिए या फिर सिर्फ रेसिपीज़ वाला चाहिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे ही वीडियोस मैं बनाते रहूँगा। आप लोग थोड़ा वीडियोस को प्यार करते रहिए, देखिए अच्छे से। थैंक्स लॉट।